आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, अगर आप घर ऑफिस से बाहर जा रहे हो तो अपने मुंह पर मास्क लगाना ना भूलें, नहीं तो आपको 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कोरोना के नए अवतार ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक के 2 व्यक्ति इन अवतार के शिकार हो गए हैं। ओमिक्रॉन के चलते महाराष्ट्र सरकार फिर एक बार कोरोना नियमों पर सख्त हो गई है। नागपुर शहर में विविध जगहों पर ट्रैफिक विभाग की ओर से मास्क कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर और महाराष्ट्र सरकार बार बार बता रहे हैं कि कोरोना नियमों का पालन होना चाहिए, मगर नागपुर शहर में ये दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लोग पकड़े जाने पर बहाने बताते हैं। पुलिस विभाग की ओर से इस कार्रवाई में 500 रुपए जुर्माना भी किया जा रहा है। आज की जो कार्रवाई है, माननीय पुलिस आयुक्त साहब तथा DCP ट्रैफिक सर अवर सर यांच्या आदेशाने ही कार्रवाई करण्यात येत आहे। तर मास्क आता ओमिक्रॉन हा नवीन विषाणू आल्याने कोरोना संबंधी ही मास्कची कारवाई सुरू आहे। तसेच भरपूरसे लोक मास्क न घालतात, त्याचे वेगवेगळे कारण सांगतात की मी आताच नाश्ता करून आलेलो आहे, तसेच मला स्क्रीनचा प्रॉब्लेम आहे, श्वास घ्यायला त्रास होतो, असे वेगवेगळे कारण सांगत आहेत। बरोबर, 2-व्हीलर आणि 4-व्हीलर दोन्ही चेक करत आहोत। तसेच 179 ओबिडेन्स रूलप्रमाणे ही कारवाई आहे। 500 रुपये दंडाची शिक्षा आहे त्याच्यामध्ये। हां, त्याप्रमाणे आम्ही कारवाई करतो। तसेच हेल्मेट न घालणाऱ्यावर पण हेल्मेटची कारवाई सुरू आहे। सोबतच दोन्ही कारवाई करतात। सगळ्यांनी मास्क घालायला पाहिजे असं माझं जनतेला आव्हान आहे, आणि गाडी चालवताना सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन केलेलं पाहिजे। हाच माझा जनतेला संदेश। महाराष्ट्र सरकार ने ये नियम अपने स्वास्थ्य के लिए लगाए हैं। अपने स्वास्थ्य की चिंता हमें ही करना है, इसलिए जब भी आप घर ऑफिस या भीड़भाड़ वाले परिसर में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।